नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो मिस्त्री। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आपको टू चैनल एम्पलीफायर के बारे में बताऊंगा। और ये हमारा है फोर चैनल एम्पलीफायर, ठीक है, और ये हमारा है मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर, ठीक है। ये तीन एम्पलीफायर इस टाइम मेरे पास पड़े हैं, तो मैं इन तीनों के बारे में आज आपको बताऊंगा और तीनों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। क्योंकि देखो भाइयों, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो नहीं समझ पा रहे कि मोनो का क्या काम होता है और हमारे स्टीरियो एम्पलीफायर का क्या काम होता है। तो जैसे ये हमारे टू चैनल और फोर चैनल स्टीरियो एम्पलीफायर है, जैसे ये टू चैनल एम्पलीफायर है। तो टू चैनल का क्या मतलब है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो शायद। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है स्पीकर लगाने के लिए, ठीक है, जिनकी पावर आउटपुट अलग अलग होती है। इनकी जो पावर होगी वो अलग अलग होगी टू चैनल की। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो टू चैनल एम्पलीफायर है उनका जो पावर आउटपुट होती है, ऑडियो आउटपुट होती है जो हमारे स्पीकर की या सबवूफर की, तो वो अलग अलग होती है। मतलब इसको हम स्टीरियो एम्पलीफायर बोलते हैं कि इस चैनल से हम कोई और आवाज़ ले सकते हैं, इस चैनल से हम कोई और आवाज़ ले सकते हैं। जैसे हमारी कानों की लीडें होती हैं, जो ईयरफोन होते हैं हमारे, आपने देखा होगा वो भी टू चैनल ही होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टीरियो एम्पलीफायर, टू चैनल का मतलब ये होता है। अब फोर चैनल, बहुत सारे मेरे भाई इस चीज़ को पूछते हैं कि फोर चैनल क्यों ले, टू चैनल क्यों ना ले। अब ये हमारा फोर चैनल एम्पलीफायर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। भाई यार अभी ना दिखे तो प्लीज़ समझ जाना, मैं आगे पीछे नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपने कैमरे का ऑटो फोकस नहीं किया हुआ। तो अभी यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है स्पीकर लगाने के लिए। फोर चैनल का मतलब ये होता है कि हमारे पास चार ऑप्शन होंगे स्पीकर लगाने के लिए यहाँ पे। बाकी चीज़ सेम है, स्टीरियो एम्पलीफायर है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास चार हैं। अब ये ऑप्शन अंदर से भी, यहाँ से भी अलग अलग हैं। ये नहीं कि हमें सॉकेट यहाँ पे चार दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये अंदर से भी अलग अलग हैं। ये हमारा एक चैनल का पार्ट है, ये हमारे दूसरे चैनल का, ये हमारे तीसरे चैनल का, ये हमारे चौथे चैनल का, ये अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। पीसीबी में भी हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं इनके, कि ये अलग अलग चल सकें। अब जैसे ये मॉसफेट है इनके, ये भी अलग अलग आईसी के हिसाब से, वो सॉरी उसके हिसाब से चलेंगे, चैनल के हिसाब से, अलग अलग चैनल के हिसाब से। आप कई सारे मेरे भाइयों ने देखा होगा कि हमारा एक चैनल ख़राब हो जाता है बट दूसरा चलता रहता है, वो अलग अलग हैं, उनकी पावर अलग अलग जाती है, इसीलिए फोर चैनल एम्पलीफायर हैं। देखो फोर चैनल एम्पलीफायर पर आप क्या क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ। फोर चैनल एम्पलीफायर के ऊपर आप चार स्पीकर चला सकते हो, ठीक है, या फिर दो स्पीकर एक सबवूफर चला सकते हो, या फिर वैसे दो सबवूफर चलाने नहीं चाहिए, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दो सबवूफर भी चला सकते हो। क्योंकि सबवूफर चलाने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो इन्होंने बताया हुआ है ब्रिज, एक सबवूफर की वायर यहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी है, दो छोड़ देने हैं। बट ये देख के करना पड़ेगा, हर एक कंपनी अपने अलग हिसाब से देती है। मतलब एक माइनस हमें पहले चैनल का लेना पड़ता है और एक प्लस हमें दूसरे चैनल का लेना पड़ता है, तब जाके वो ब्रिज होता है एम्पलीफायर। ये यहाँ पे इन्होंने लास्ट दे रखा है कि ब्रिज कर सकते हो। ब्रिज करने से क्या होता है, पावर डबल हो जाती है, दोनों चैनलों की पावर एक चैनल में आ जाती है और वो हमारा बन जाता है मोनो। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो हमारा मोनो एम्पलीफायर बन जाता है। अब मैं आपको मोनो एम्पलीफायर दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमारा मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका एक स्लॉट है, ठीक है। काफ़ी सारे एम्पलीफायर में आपको दो देखने को भी मिलेंगे, बट वो अंदर से, यहाँ से, यहाँ से वो एक ही होंगे। मोनो का मतलब यही है कि हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर नहीं है ये, इसकी पावर अलग अलग नहीं जाएगी, इसकी पावर एक ही चैनल से आएगी सारे की, इसके कोई सर्किट अलग नहीं है, ये सारा एक चैनल का सर्किट है पूरा। मोनो एम्पलीफायर का ये पूरा सर्किट एक चैनल का ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि दो सॉकेट दिए हुए हैं तो टू चैनल बन गया ये। मोनो का मतलब ही एक होता है कि पावर की जो आउटपुट होगी, ऑडियो आउटपुट होगी, वो एक आएगी आपके पास, चाहे आप आगे जितने मर्जी चैनल लगा लो। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं लेफ्ट और राइट के, ठीक है, लेकिन यहाँ से आउटपुट दोनों की एक निकलेगी, ये चीज़ है। अब मैं दोबारा एक बार और समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे फोर चैनल की आउटपुट है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, एक दो तीन चार ऐसे है ये, तो इनकी आउटपुट जो है वो भी अलग अलग ही चलेगी इनकी सप्लाई के हिसाब से, जो इनकी अलग अलग दी हुई है, तो यहाँ से भी वो अलग अलग ही आएगी।
मतलब जो हमारी सराउंडिंग होगी, जो एक क्वालिटी होती है स्टीरियो की, वो हम इसमें नहीं खो सकते। ये 4 चैनल और 2 चैनल का मतलब होता है। आप 2 चैनल पे सिर्फ या तो 2 स्पीकर चला सकते हो या फिर 1 सबवूफर चला सकते हो। अब इसके अंदर अब वीडियो तो मैं इसी बारे में और भी बना सकता हूँ, बट मैं अगर जो बनाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी, क्योंकि अब इनकी क्लास भी आती है। डी क्लास क्या होता है, ए क्लास क्या होता है, बी क्लास क्या होता है, ए बी क्लास क्या होता है, ये भी है इनके पार्ट। इसकी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और जो हमारे क्रॉसओवर होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका क्या बेनिफिट हमें मिलता है। तो अभी ये बहुत सारा पड़ा है, बट अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम भी आप लोगों के माइंड से ये चीज़ें नहीं निकली थी, क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा कि 2 चैनल आपकी नज़र में ये सब एम्पलीफायर हैं, बट ये अलग अलग काम करते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, अब इनकी क्लास होती है, ए बी होती है, वो क्लास डी है, तो वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, फिर ए होता है, फिर बी होता है, तो ये काम कैसे करते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, ये किस चीज़ के काम आते हैं, तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में कभी मैं बनाऊंगा तब बताऊंगा आपको इन चीज़ों के बारे में, क्रॉसओवर के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, वीडियो के नीचे आप देख सकते हो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई देगा, उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो बेल आइकन है साथ में ही, वो भी दबा लेना, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। मैं जब भी अपनी नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इंस्टाग्राम पे जाना मत भूलना, वहाँ पे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।